अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी लेके आए हैं, फ़िश फ्राई। ये बांगड़ा फ्राई है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही क्रिस्पी। और देख सकते हैं आप, देखने में कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, उसी तरह खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी हो चुका है और अंदर से अच्छा सा जूसी सा बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश फ्राई रेडी है। तो इस तरह से हम बनाने वाले हैं आज, और ये चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ़िश, और हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने ये फ़िश ली है, ये बांगड़ा मच्छी है, तो इसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और इसको हमने कट्स लगा दिए। ये देख सकते हैं ना, इसमें चीरा लगा दिया है। इस तरह से लगाने से इसके अंदर तक मसाला जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होने वाला है। तो इसको हमने साइड से जो भी इसके पंख थे सब कट कर लिए हैं, और अब इसको हम बनाना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ली है, इसके अंदर डालेंगे हम 2 टीस्पून भरकर रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन और मिर्ची तीनों है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून भरकर हमने विनेगर लिया है, और 1 टीस्पून से ज़्यादा हमने नमक लिया है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं, और पानी हम ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर डालते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और अगर ज़रूरत है तो फिर से पानी डाल देंगे। अगर एक साथ पानी डाल देंगे और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर वो मसाला हमारी फ़िश को नहीं पकड़ेगा, पूरा नीचे चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इसमें फिर से हमने 1 कटोरी भरकर पानी डाल दिया है इस तरह से, और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पर हमने एक एक बांगड़ा लिया है, अब इसको हम मसाला लगाते जाएंगे, और अच्छे से इसके कट्स में भी लगाना है ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाए और ये फ़िश बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाए। तो कट्स को हम खोल खोल कर भी लगा सकते हैं, अच्छे से अंदर तक जाना चाहिए मसाला। इस तरह से अंदर मसाला भरते जाएंगे कट्स के अंदर। यहाँ पर भी दूसरी साइड में भी ऐसे ही कर लेते हैं, और दोनों साइड से अच्छे से मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से मसाला हमने लगा लिया है, तो दूसरी फिश को भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं। वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सके, और ये दूसरी भी फिश इसी तरह रेडी करेंगे। तो दोनों को हमने मसाला लगा लिया है, तो अब तीसरे को भी हम सेम इसी तरह लगा लेंगे। और ये देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें मसाला लग रहा है ना, तो इसी तरह हम तीनों को रेडी कर लेते हैं। और ये तीनों बांगड़े को हमने अच्छे से फिश को मसाला लगा लिया है, तो इसको हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में, और फिर 15 मिनट के बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हमने प्लेट को हटा दिया है और ये दूसरी प्लेट रख दी है। इसके अंदर हमने लिया है 3 टेबल स्पून रवा और 3 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा, और 1 टीस्पून भरकर हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 पिंच के करीब हमने लिया है रेड फूड कलर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे जो फ़िश है ना उसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और आटा और रवा सारा जो भी है ना सूजी सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने दोनों को सेम क्वांटिटी में लिया है, आप सूजी ज़्यादा भी ले सकते हैं, सूजी ज़्यादा लेने से ज़्यादा क्रिस्पी होता है और चावल का आटा भी क्रिस्पी बनाता है। तो अगर चावल का आटा नहीं है ना, तो आप बेसन भी ले सकते हैं, सेम क्वांटिटी में बेसन का आटा जो आता है ना वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसके ऊपर पूरा रवा और जो आटा है मिक्स करके रखा हुआ ये पूरी तरह से लगाने वाले, अच्छे से दोनों तरफ से प्रेस करते जाएंगे इस तरह से हाथ से, और लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल छूटे ना। जब हम फ्राई करके निकालें ना तो मसाला छूटना नहीं चाहिए।
तो इसको साइड में रखेंगे और दूसरा भी सेम इसी तरह बना लेते हैं। ये हमने बांगड़ा रख दिया है, अब इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे। पहले हमने थोड़ा सा इसीलिए लिया है कि पलटते टाइम हमारे हाथ को मसाला ना चिपके। देख सकते हैं ना, हमारे हाथ को सिर्फ सूजी और आटा लगा हुआ है, मसाला बिल्कुल नहीं चिपका है, तो मसाला पूरा हमारे फिश के ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये दूसरी फिश भी हमने इसी तरह लगा कर रेडी की है। अब और एक बाकी है हमारी ना, वो भी हम इसी तरह कर कर रेडी कर लेंगे। तो इसे भी हम लगा लेते हैं इसी तरह से, सेम प्रोसेस है सारे में। अब ये पलट लिया है, इसको अच्छे से कोट कर लेते हैं हम। तो इस तरह से हमारे तीनों बांगड़े को अच्छे से कोट हो चुका है, रवा और आटे से हमने अच्छे से कोट कर लिया है, चावल के आटे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्लेट में इसको रहने देंगे, आटे के ऊपर ही जो सूजी और आटा है ना, इसी पे रहने देंगे, ताकि जो एक्सेस है ना वो निकल भी सकता है और जो लगा हुआ है ना वो इसके ऊपर अच्छे से चिपके रहेगा। ठीक है, तो इसको इसी प्लेट में रहने देते हैं 10 मिनट तक, और तब तक हम हमारा तेल गरम करेंगे। और यहाँ पर हमने तेल लिया है फ्राई करने के लिए, तेल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तेल डाल दिया है, उसको अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसके अंदर आराम आराम से एक एक पीस रखते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पैन में ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, या तो फिर दो दो कर कर भी फ्राई कर सकते हैं। तो फिश को हमको 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, और गैस हम मीडियम टू हाई रखेंगे, ज़्यादा ना लो रखेंगे ना ज़्यादा हाई रखेंगे। ठीक है, मीडियम गैस रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी सा हमारा बांगड़ा तैयार हो जाए। अब साइड को हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह प्रोसेस करेंगे। 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देते हैं, गैस हमारी मीडियम ही है अभी तक। और यहाँ पर देख सकते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से मसाला इसका बिल्कुल नहीं छूटा है, उसी में अच्छे से रह गया है। और यहाँ पर हमारी फ़िश देख सकते हैं, तो ये फ़िश ज़्यादा बड़ी थी बांगड़ा, उसको पलटने के लिए थोड़ा सा हार्ड था ना मेरे लिए। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी सा बांगड़ा फ्राई हमारा रेडी हो चुका है ना दोनों तरफ से। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो चटनी के साथ प्याज और जो भी आपके पास है ना, थोड़ी सी हमने धनिया भी डाल दी है, और इसके साथ हमने सर्व किया है चटनी और प्याज। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बांगड़ा फ्राई रेडी है, और बहुत ही आसान, बहुत कम टाइम में बनता है। तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।